एक ऐसी लड़की जिसकी जीभ ने उसको रातों रात बना दिया फेमस। जीभ उसकी इतनी लंबी कि देखने वाले रह जाते हैं हैरान। और एक ऐसा जानवर जिसकी आंखों का साइज उसके दिमाग के साइज से भी बड़ा है। और एक ऐसा जानवर भी जो आसमान को कभी नहीं देख सकता। और क्या आप जानते हैं सोते समय आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। हम बात करते हैं आज एक अजीबो ग्रीफ फैक्ट की, जो एक लड़की की जीभ से स्टार्ट होता है। इस लड़की का नाम सारा फोरग्रेव है, जो फ्लोरिडा में रहती है। उम्र 20 साल है। इसकी जीभ का साइज 11.4 सेंटीमीटर है और यह अपनी जीभ से अपनी आंखों को भी छू सकती है। दरअसल सारा इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो अपलोड किया करती थी, लेकिन लोग कमेंट करके बोलते थे कि ये फोटो फेक है। तो धीरे धीरे सारा ने अपनी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वीडियो देखी लोगों ने, तो रातों रात इसके 2 से 2.5 मिलियन फॉलोवर्स की संख्या बढ़ गई। सारा अब लॉन्गेस्ट टंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। एक ऐसा तथ्य जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, आप यकीन करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो तथ्य हम इंसानों से जुड़ा हुआ है। हम इंसानों की जिंदगी में सोने का बड़ा ही महत्व है, लेकिन आप जानते हैं कि सोते समय हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं? हमें कोई अंदाजा ही नहीं रहता। पूरे जीवन काल के चक्कर में लगभग 70 से ज्यादा छोटे कीड़े मकोड़े हम नींद में खा जाते हैं और 10 से ज्यादा मकड़ियां खा जाते हैं। ये रिसर्च पुख्ता प्रूफ के साथ है, आप गूगल कर सकते हैं। गूगल पर ये चीज साफ तौर पर दिखाई गई है। फिंगरप्रिंट के अलावा भी एक और ऐसा प्रिंट होता है जो कि सब इंसानों का डिफरेंट होता है। हालांकि फिंगरप्रिंट तो अपना आधार कार्ड में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इससे सब इंसानों की पहचान डिफरेंटली हो सकती है, क्योंकि ये सब इंसानों का अलग अलग होता है। एक हमारी जीभ का और प्रिंट ऐसा होता है जो सब इंसानों का अलग अलग पाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसको हम अपनी आईडी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन था ना इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट। चलिए बात करते हैं एक नए और रोचक फैक्ट की। ये भी कुछ हमारी जबान से ही जुड़ा हुआ फैक्ट है, यानी हमारी जीभ से जुड़ा हुआ फैक्ट कुछ ऐसा है कि ये सब इंसानों पर लागू होता है। मोस्टली यानी कि 99% इंसान हैं जो वो ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ रेयरली इंसान हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हमारी जबान यानी हमारी जीभ से मोस्टली पीपल अपनी एल्बो यानी अपनी कोहनी को नहीं छू सकते हैं। आप चाहे तो अभी करके देख सकते हैं कि अपनी जीभ से आप अपनी कोहनी को छूकर देख सके हैं, ये लगभग नामुमकिन है। हाँ, एकाध इंसान हो सकता है, हजारों लाखों में कोई इंसान मिलेगा जो छू पाएगा, जिसकी जीभ का आकार लंबा होगा। जैसे कि पहले फैक्ट में हमने देखा सारा फोरग्रेव थी, जिसकी जीभ का साइज 11.4 सेंटीमीटर था। हाँ, वो बात अलग है, ये छू पाएगी, लेकिन हम जैसे कॉमन इंसानों के लिए ये इम्पॉसिबल है। अगर बात हम इंसानों की ही कर रहे हैं, तो क्यों ना एक फैक्ट और जान लेते हैं। हम इंसान कितने तक लगातार काउंट कर सकते हैं? दरअसल ये फैक्ट साइंटिफिक प्रूफ है कि हम इंसान 1 बिलियन तक काउंट नहीं कर सकते। लगातार अगर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3 पर सेकंड के हिसाब से भी 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ तक काउंट करने में हमें 32 साल यानी 32 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। अगर हम हर सेकेंड 1, 2, 3 ऐसे भी काउंट करते हैं तो, है ना अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब बात करते हैं एक और रोचक तथ्य की, जो कि जानवरों से रिलेटेड है। बात करते हैं हम ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग एक पक्षी की श्रेणी में आता है, जिसके पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ ये दौड़ बहुत तेजी से सकता है। दरअसल इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि यह मैक्सिमम 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक जा सकती है, और कुछ देशों में तो इसके साथ गेम भी किए जाते हैं। ऑस्ट्रिच की यानी शुतुरमुर्ग के साथ रेस भी लगाई जाती है। इंसानों को इनके ऊपर बिठा दिया जाता है और फिर इनसे आपस में रेस करवाई जाती है। उन देशों में अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी शामिल है। शुतुरमुर्ग से रिलेटेड एक और बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि इसकी आंखों का साइज बहुत ही बड़ा होता है। इसकी एक आंख का साइज 5 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 2 इंच का होता है, और इसकी आंख के साइज से छोटा इसका दिमाग होता है, यानी कि इसका ब्रेन इसकी एक आंख से छोटा होता है। ये था बहुत ही रोचक तथ्य शुतुरमुर्ग।
गोरख के बारे में। अगर आपको मजा आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अगले नए फैक्ट की। ये फैक्ट भी हमारा जानवरों से रिलेट करता है। ये फैक्ट सुअरों के बारे में है, यानी पिग्स के बारे में। आप सब ने कहीं ना कहीं तो इंडिया में पिग्स को तो देखा ही होगा, यानी सुअर को तो देखा ही होगा। सुअर का एक अमेजिंग फैक्ट ये होता है कि उसकी गर्दन की मसल्स कुछ इस प्रकार बनी होती हैं कि सुअर डायरेक्टली स्काई यानी आसमान में नहीं देख सकता। या तो सुअर अपनी बैक यानी पीठ के बल लेटकर आसमान को देख सकता है, या फिर पानी में उसकी परछाई देख सकता है। सीधे तौर पर वह अपनी गर्दन को आसमान की तरफ नहीं ले जा सकता। ये था एक फटाफट और मजेदार फैक्ट। बात करते हैं अगले और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की। ये फैक्ट क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के बारे में है। मगरमच्छ है जो एक ऐसा जीव है जो पूरी जिंदगी में अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसकी जीभ निचले जबड़े से अटैच होती है कुछ इस तरीके से। मगरमच्छ से रिलेटेड कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे इसके लंग्स का यानी फेफड़ों का साइज इतना बड़ा और इतना स्ट्रांग होता है कि यह पानी के अंदर पूरे 6 घंटे तक अपनी सांस रोक कर रह सकता है। और दूसरा यह कि इसके माउथ यानी मुंह में जबड़ों का साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरे 80 दांत यानी 80 टीथ होते हैं, लेकिन शिकार करते वक्त उसके कुछ दांत टूट जाते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, वह दोबारा वापस आ जाते हैं। इसके पूरे जीवन काल के चक्र में इसके जबड़े में लगभग 3000 दांतों का आवागमन होता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मगरमच्छ की औसत आयु 60 से 80 साल के बीच में होती है। हमारे इंसानों से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा, हालांकि वो चीज आप अब भी कर रहे हो, क्योंकि वो हमारे स्मार्टफोन और गैजेट से रिलेट करती है, जो हमारे ईयरफोन है। हम अपने ईयरफोन्स को मैक्सिमम टाइम लगाए रखते हैं, कभी यूट्यूब तो कभी सॉन्ग्स को सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईयरफोन लगाने से हमारे कान में बैक्टीरिया की संख्या 700 गुना यानी 700 टाइम्स तक ज्यादा बढ़ जाती है, और ये भी कुछ गिने चुने समय के अंदर, यानी कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा संख्या प्रोड्यूस हो जाती है। ताना मजेदार फैक्ट। अगर इन फैक्ट्स में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए देखते रहिए फैक्ट टू फ्रेंडली चैनल। हम जल्द मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम।